पिताजी सुंदरी का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी प्रणाम, ब्राह्मी का प्रणाम स्वीकार करें पिताजी। आओ पुत्रियों, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। पिताजी आपने हम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया, क्या हमसे कोई भूल हो गई है? पिताजी आज आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? आज मैंने तुम दोनों को यहाँ शिक्षा देने के लिए बुलाया है। अरे पिताजी ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हम लोगों को शिक्षा प्रदान करेंगे, हम आपसे शिक्षा ग्रहण करके अति प्रसन्न होंगे। ये तो बहुत शुभ समाचार है पिताजी। सुंदरी आज मैं तुम्हें अक्षर लिपि की शिक्षा दूंगा। देखो ऐसे बनता है आ। बेटा ब्राह्मी आज मैं तुम्हें अंकलिपि की शिक्षा दूंगा। देखो ऐसे बनता है एक। आज हम अपने आप के लिए धन्य महसूस करते हैं। प्रणाम पिताजी। प्रणाम पिताजी, क्या बात है, आज आपके चेहरे पर है ये उदासी क्यों दिखाई दे रही है? प्रणाम पिताजी। पुत्रियों आप दोनों विवाहयोग्य हो गई हैं। लेकिन पुत्रियों जहां आप दोनों का विवाह होगा वहां तो मुझे सिर झुकाना ही पड़ेगा। लेकिन पिताजी आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं। पिताजी ऐसा विवाह मैं नहीं कर सकती जहां मेरे पिता को सिर झुका कर रहना पड़े, इसलिए मैं आज ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लूंगी और कभी विवाह नहीं करूंगी, साथ ही मैं धर्म के पथ पर चलूंगी और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करूंगी। पिताजी हमें आज्ञा दें, हम दीक्षा लेकर धर्म के पथ पर चलना चाहते हैं। पिताजी यदि ऐसी बात है तो हम दोनों आज से ब्रह्मचारी व्रत लेते हैं। हम आपका सिर कभी किसी के सामने नहीं झुकने देंगे, आज से ही आर्य का पद ग्रहण करेंगे। प्रणाम पिताजी।